देखो बेटा, थोन गालू समझो, मतलब आ थोड़े को एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आ एक बबल है। ठीक है, हम गालू समझियो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपटीशन का क्वेश्चन है पुत्र। देखो पुत्र, ये जड़ा सिलेंडर है तो उसके अंदर जड़ा सोप बबल है, आ गैस है, आ गैस है। तो आ जड़ा प्रेशर है, ये गैस का आ वाली मतलब आ सिलेंडर की गैस का प्रेशर है ना, आ प्रेशर है, आ वाला प्रेशर। तो हम समझ की होनी चाहिए है, गल सुनो, जी आ वाला सो बबल के अंदर गैस है, थानू याद आना चाहिए। मतलब ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये ना दो कंसेप्ट मिक्स करते, थानू पता होना चाहिए सो बबल के अंदर अंदर प्रेशर बाहर नालों हमेशा ज्यादा होगा। एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट जो सरफेस टेंशन नाल जुड़िया कंसेप्ट है, तो मतलब आ जी इतने गैस है, एड़ा प्रेशर टी नॉट नहीं है, एड़ा प्रेशर कितना पी नॉट प्लस 4T/R, क्योंकि सानू याद आना चाहिए किसी भी सोप बबल के अंदर जेड़ा प्रेशर है वो बाहर नालों 4T/R। टी मतलब सरफेस टेंशन, सिग्मा भी लिख सकते हैं, टी लिखता ना तो जो थानू बेटर, सिग्मा लिख लो, सिग्मा की है सरफेस टेंशन। तो मतलब सो बबल के अंदर जेड़ा प्रेशर है वो पी नॉट नहीं है, वो पी नॉट प्लस 4 सिग्मा/R है। आर की है इसका रेडियस, ते वॉल्यूम कितना वा, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। ए और पी नॉट की वैल्यू थानू दिती हुई है, उसने वो की दिती है, टेन रेज टू पावर 5। अच्छा, थानू रेडियस की वैल्यू भी दिती है, थानू सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दिती है, कोई गल नहीं। उन्होंने की क्या, वो कहता भी इस सिलेंडर को ना अभी आइसोथर्मली कंप्रेस किया। हूं गल समझो, जब आप इस सिलेंडर को आइसोथर्मली कंप्रेस किया, यह मतलब आ टेंपरेचर और आ टेंपरेचर सेम ही है, टेंपरेचर से नहीं फर्क पड़ा, पर हुन जेड़ा प्रेशर है वो पी हो गया। जे हुन आ प्रेशर पी है आ वाली गैस का, तो जेड़ा सोप बबल है ओदे अंदर प्रेशर कितना हो गया, पुत्र? तो सोप बबल के अंदर प्रेशर की हो गया पी प्लस 4 σ/r। तो अगली स्टेप पढ़ो, जो आप कहना प्रेशर को सिलेंडर को कंप्रेस किया, तो सोप बबल का रेडियस पहले नालों कितना रह गया, हाफ। देखो तो स्टेटमेंट हाफ रह गया। तो इसका मतलब अच्छा, ये वॉल्यूम कितना रह गया 4/3 π। हुण आंसर कितना निकलना, मतलब देखो आ जड़ी सोप बबल की गैस है ये, क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल कंसेप्ट आ गया। आइसोथर्मल च गैस ने बॉयल्स लॉ है ना ओबे करना, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर आया और वॉल्यूम है, फाइनल प्रेशर आया ते वॉल्यूम है अवला। बॉयल्स लॉ यूज करके अभी
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਹ 8 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਪੀ ਨਾਟ ਪਲੱਸ 4 ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਪਲੱਸ 8 ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਆਰ ਇੰਟੂ 1 ਬਾਈ 8। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ, ਆਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪੀ ਨਾਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੋ ਪੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਲਓਗੇ ਖੁਦ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ IIT ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਕਰ ਲਓ। हाँ बेटा, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है तो लेक्चर आराम ना देख ला सकते ये। हाँ ये लेक्चर ना रिकॉर्ड हो रहा वा, तुम दोबारा भी देख सकते हो तेन पूरे में। हाँ हाँ आराम ना देख लियो, सारा रिकॉर्ड हो गया ना, मैं पा देना हूँ। ला अच्छा, सेकेंडरी ठीक सी? अच्छा ठीक, अच्छा, वो एक्चुअली मैं लाना वो ईयरफोन वो वैसे ही डेड वो दे करके आई हूँ। कोई बात नहीं, तो मैंने डाल के डाउट था वो तो ले आजियो लेके, है ना? हाँ, नोट कर लो, जो नहीं लगी समय तो मैंने पूछ लियो। हाँ आप है, मैं ये सही हो रही है रिकॉर्डिंग, मैं देख लिया। चलो एक और देखो, लिखो ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू सीवी, गामा कढ़ना पुत, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू सीवी। हम गल सुनो, बड़ा इजी न्यूमेरिकल, इजी इन द सेंस है, देखो जी चीज आती है वो इजी है, नहीं आती मुश्किल है, दैट्स ऑल। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡੀਆਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ, ਕਿਊਬ ਆਫ ਇਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। अच्छा तो गामा कटना वहां, क्योंकि उन्हें क्या सीपी ओवर सीवी निकालो मतलब गामा, गल की है कुछ भी नहीं है।
हुण इस केस दे विच थोड़ा p ओवर t क्यूब कॉन्सटेंट आ रहा या p t दी पावर माइनस 3 कॉन्सटेंट आ गया। हुण थानू इनू सॉल्व करने लिए इमीजिएटली माइंड दे विच की स्ट्राइक करना चाहिए। थानू याद है कि गैस दे लिए जो आप एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं एक तो लिखते हैं pv गामा कॉन्सटेंट, दूसरा की लिखते हैं पुत्र आप याद है कुछ आ लिखते हैं पर यह दोनों हल इतने काम नहीं आया क्योंकि इतने पी टी है आप इतने के फार्मूला दिमाग से आना चाहिए तीसरे वाला उधर की करेंगे आप आ वाला पर हम आ जो फार्मूला है हम जो आप इनू देखते हैं नाल है ना इधर नाल देख रहे हैं तो तुसी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं गामा कितना वा माइनस 3 1 माइनस गामा 1 दे बराबर है ना इधर कुछ आ रहे हैं ना कोई गल नहीं हम आप की करना इनू और इनू सेम फॉर्म से लेने इनू आप लिख सकते हैं पी टी दी पावर गामा ओवर 1 माइनस गामा इज कॉन्स्टेंट। हुण बनी गल हुण आ पावर 1 1 ठीक है तो आ पावर माइनस 3 तो इट मीन्स गामा ओवर 1 माइनस गामा माइनस 3 है इतों गामा निकाल तो इस तरीके नाल सॉल्व कर लेना ठीक है पुत्र। हाँ जी हाँ जी वो पुत्र जिदा हम आ वाली हूं देखो ना थोड़े सामने अगर आ काम हो तो इनू हटा इनू बंद करने की करा आप स्केयर रूट नहीं लेने तो उही सेम लिया ना आप दोनों साइड का रूट ले लिया एनथ रूट तो आप हाँ तो यदि पावर जी वन करने के लिए वन बाय वन माइनस गामा कर लिया ना रूट ले लिया हाँ एक होर लिख लो पुत्र ये सारे इंपॉर्टेंट है मतलब आप भी प्रैक्टिस करो लिखो 1 kg ऑफ ए डायटोमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 1 kg ऑफ ए डायटोमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 8 × 10⁴ पास्कल द डेंसिटी ऑफ गैस इज 4 kg पर क्यूबिक मीटर What is the हाँ जी एक मिनट 1 kg ऑफ डायटोमिक गैस
1 kg ऑफ ए डायटॉमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ 8 × 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 4 kg पर क्यूबिक मीटर. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन. एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन. देखो बेटा हम पानो देखो मास ऑफ गैस टोटल मास ऑफ गैस है 1 kg. डाइएटॉमिक गैस है तो सीवी आ जाएगा 5/2 R. डेंसिटी कितनी देती है मुझे 1 kg. तो किसी भी गैस की जी एनर्जी है, एनर्जी कह लो, काइनेटिक एनर्जी कह लो, थर्मल एनर्जी कह लो, इंटरनल एनर्जी कह लो, इको चीज याद रख लेना. तो कहते बराबर होती है एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, सीवीटी. अच्छा हूँ क्योंकि डायटॉमिक गैस है तो सीवी की वैल्यू तो है 5/2 R. तो हूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो एनटी पीवी बाय आर हो गया है ना. तो एनटी की जगह आप PV by R into CV. तो आई नहीं गल सी प्रेशर है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिता 1 kg. भी दिती है वो तो मास भी दिता. जे डेंसिटी मास दोनों दिते हो तो वॉल्यूम निकल आएगा. तो इदा सोचना पैना ना. तो प्रेशर दिता सी, वॉल्यूम नहीं दिता, बस तो डेंसिटी मास तो निकल आना. तो सीवी जरा वा वो डायटॉमिक करके 5/2 R है. जे मोनोएटॉमिक होंगी तो 3/2 R होना सी. तो पीवी ओवर आर इंटू 5/2 R है ना. आर आर तो चलो गेम चे बाहर हो गया. तो इनी गल सी, इनू सॉल्व करो. मतलब कहना यह है बेटा कि जो आप न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं है ना, तो उन्होंने थ्यूरी होल्ड होना साड़ा जरूरी है. बिना थ्यूरी के